रहीमापुर पंचायत मुखिया प्रतिनिधि मिलन सिंह, तमाम बिहार वासियों ग्राम वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं। पंचायत वासियों से ही अपील रहेगा मेरा कि सब लोग तिरंगा को मान सम्मान के लिए कल स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सब लोग अपने अपने घर पर तिरंगा फहराएं और तिरंगा कभी नहीं झुके, इस पर हम लोग को ध्यान रखना है। और सब लोग मिलजुल कर कल पंचायत भवन औरागाछी रहीमापुर 9:15 में आकर झंडा उत्तोलन में शामिल होने का कष्ट करें। हमारी ओर से प्रयास रहेगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेवा करूं, जितना हमसे बने अधिक से अधिक करने का प्रयास करूंगा, सब लोग के दुख सुख में साथ रहने का ध्यान रखूंगा। पहले तो आज़ादी के 75वां अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं पंचायतवासियों, प्रखंडवासियों और जिलावासियों, तमाम देशवासियों को। आप जिस उपलक्ष्य में हमसे पूछ रहे हैं, तो तिरंगा हर दिल में बसता है, लेकिन कहीं ना कहीं गलत दुर्भावना है, प्रोपगेंडा फैलाया भी जाता है। तिरंगा कोई नया नहीं, जब से बचपन से हम लोग देखते हैं तिरंगा आन बान शान के साथ फहराया जाता है, लेकिन प्रोपगेंडा भी है इसमें। राजनीतिक दल द्वारा प्रोपगेंडा लागू भी किया जा रहा है, जानबूझकर थोपा जा रहा है। राजनीतिक मुद्दा किसी भी प्रकार को भटकाने से, देश हित में भटकाने के कार्य के कारण ऐसा किया जा रहा है। हम बोलना चाहेंगे यही कि हम लोग का तिरंगा आन बान शान है, इसके प्रति हम लोग पूरा जी जान लगा देंगे, लेकिन हम एक मांग करना चाह रहे हैं कि हमारा जो आरएसएस का हेड क्वार्टर है वो वहाँ पे तिरंगा लगना चाहिए। वो जो वहाँ पे हम लोग को दिखावा के लिए जो बोला जा रहा है वो अपने आप वहाँ नहीं लगा रहे लोग, तो वहाँ आरएसएस पे सबसे बड़ी बात है कि आरएसएस के हेड क्वार्टर है जो नागपुर में, वहाँ पे लगना चाहिए। सरकार को पहले वहाँ लगवाना चाहिए। हम लोग इसका देशभक्त है, इसका कोई प्रमाणी देने की हमको जरूरत नहीं। 15 अगस्त भी है, किस तरीके से इस बार आप लोग उत्सुकता के साथ मनाएंगे 15 अगस्त? 15 अगस्त है हम लोग का, जो हम लोग वार्ड सदस्य है हम लोग जीत के आए हैं। अच्छा, हम लोग को पहली 15 अगस्त है। हाँ जी हाँ, तो हम लोग को भी जोश जुनून है कि हम लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें और अच्छे से हम लोग झंडा फहराएं, ताकि हम लोग का भी हो कि यहाँ रहीमापुर पंचायत वासी, वहाँ का वार्ड सदस्य, वहाँ का जनप्रतिनिधि अच्छे से यहाँ पे भी बढ़ चढ़ के भाग लिया। क्या कहोगे छोटू, इस बार तिरंगा यात्रा में बहुत सारे बच्चा सब भी भाग ले रहा है, कुछ बोलेगा? बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। पिछले बार लिया था कि नहीं? लिए थे। और कुछ लोगों से जुड़ेंगे ऐसा कि उनके लिए ये 75वां स्वतंत्रता दिवस जो है साल भर के लिए उनके लिए अच्छा सौहार्द लाए, दिल से दिल मिला के सब लोग आपस में चले, बैर भावना को जातिगत भावनाओं से दूर हट के सब एक साथ मिल के आगे देश को बढ़ाने की, पंचायत को, अपने घर को, अपने ग्राम को पंचायत कैसे समृद्ध और खुशहाल, इसके लिए शुभकामनाएं।